और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें जो छठ व्रत हैं अपने अपने स्थान पर। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को महापर्व छठ पूजा की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं पर्यटक चौरी चौरा छठ घाट पर हूँ, तो यहाँ का आप लोगों को ए टू जेड दिखाने वाला हूँ कैसे यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। ओके, आप लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहे, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स द स्टार्ट। गाइस जस्ट हम लोग मेन गेट के पास हैं। ओके, और आप लोग जस्ट सामने देख सकते हो गेट है। ओके, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और छठ घाट के पास चलेंगे। और यहाँ पर आप लोग इस साइड देख सकते हैं और कुछ गेस्ट जो आएंगे यहाँ पर उन लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू आप लोग के दिखाते हैं। और जितने भी छठ व्रत रखी हैं माताएं अम्बा ने, सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं छठ घाट पर। ओके, तो हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं क्या स्थिति है। ओके, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को देखने को हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं। इधर भी आप लोग देख सकते हैं गेस्ट लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत और प्यारा। ओके, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड होगा। अभी जितना शाम होगा उतना ज़्यादा क्राउड होगा, इतना ज़्यादा क्राउड हो जाएगा कि आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें जो छठ व्रत हैं अपने अपने स्थान पर व्रत के लिए बैठ गई हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं आप लोग को और यहाँ का डेकोरेशन दिखाते हैं। पूरा डेकोरेशन आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसा डेकोरेशन किया गया है। और नाइट का जो व्यू आएगा ना, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डेंजरस। लाइटिंग का जो व्यवस्था किया गया ना, पूरा छठ घाट फाड़ कर रख देता है, इतना डेंजर लगता है। ओके, तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं उस साइड में और उस साइड में आप लोग को दिखाएंगे कि वहाँ पर व्यवस्था किया जाता है, प्रोग्राम होता है और वहाँ पर बड़े बड़े गेस्ट आते हैं और उन्हीं लोगों के देख रेख में होता है। और ये पूरा जो ये व्यवस्था किया गया, सनी जायसवाल चेयरमैन है, उन्हीं का देख रेख में होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा क्रेन वाला कैमरा का भी व्यवस्था किया गया है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ रहता है। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहीं पर प्रोग्राम होगा। अभी मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा कैसा प्रोग्राम होता है। इस साइड भी एक गेट है, इस साइड से भी कुछ माताएं बहनें आती हैं छठ व्रत के लिए और घाट पर अपना पूजा अर्चना करती हैं। आप लोग गेट देख सकते हो, यहाँ पर प्रोग्राम होगा, कुछ गेस्ट बैठे हुए भी हैं और आप लोग क्राउड भी देख सकते हो, क्राउड कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी जितना शाम होगा उतना ज़्यादा क्राउड होगा। आधा घंटा तक अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है, 4:30 बजे 5 बजे तक अभी पब्लिक आएगी, यहाँ पर माताएं बहनें आएंगी और पूजा अर्चना अपना व्यवस्था करेंगी। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है सनी जायसवाल चेयरमैन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यवस्था आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और धैर्य रखिए, सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा ए टू जेड और बहुत ही इन्जॉय करेंगे हम लोग। ओके, और जितना शाम होगा ना, जो लाइटिंग है, लाइटिंग बहुत ही डेंजर लगता है, एकदम पूरा फाड़ कर रख देता है जितना भी छठ घाट है। ओके, बहुत इंजॉय करती है यहाँ पर पब्लिक। ओके, यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम देख सकते हो गाइस। ओके, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रोग्राम होता है, आप लोग देख लीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे साइड और आप लोग लाइटिंग का व्यवस्था देख रहे हैं, जितना भी शाम हो रहा है उतना बहुत ही प्यारा और डेंजर लग रहा है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर माताएं बहनें देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है तो अपना पूजा अर्चना कर रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रशासन का पूरा देख रेख में सभी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा सीसीटीवी कैमरे के नज़र में सब कुछ रहता है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर लापरवाही नहीं होता है। और हम बता रहे हैं कि गोरखपुर के बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्यारा एक छोटा सा शहर है चौरी चौरा। ओके, तो चौरी चौरा बहुत ही प्यारा जगह है, शहीदों का धरती है। वहाँ पर ये छठी घाट का व्यू आप लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ का ये वीडियो है। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सूर्यास्त हो रहा है तो जितने भी माताएं बहनें हैं सूर्यदेव का पूजा अर्चना कर रही हैं और पूजा अर्चना करके बाहर भी निकल रही हैं। पीछे आप लोग पब्लिक का क्राउड देख सकते हो। ओके, तो कुछ ऐसा ही यहाँ का व्यू है, बहुत ही इंजॉय करते हैं पब्लिक। अभी हम लोग
शाम हो चुका है पूरा, और शाम होने के बाद लाइटिंग का व्यवस्था आप लोग एक बार देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। लाइटिंग का व्यवस्था जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप लोग को दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूर्यास्त हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को लाइटिंग का व्यवस्था दिखा रहा हूँ, आप लोग को कैमरा घुमाकर एक बार देख सकते हैं कितना प्यारा लाइटिंग है। और जितनी भी माताएं एवं बहनें छठ व्रत रखी थी, सूर्यास्त होने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। ओके, तो कुछ यही वीडियो था और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर चलेंगे उसके बाद हम लोग भी घर की तरफ निकलेंगे। यहाँ सभी लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ओके गाइस, तो कुछ यही वीडियो था, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भैया हैं जो खिलौने विलौने बेच रहे हैं, मास्क वास्क बच्चों वाला डरावना वाला चीज़। ओके गाइस, तो हम लोग भी निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ पर रेलवे ढाला है जो गिर चुका है और ट्रेन आ रही है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।